Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about GME, Graduate in Mechanical Engineering. और इसके बारे में हम सारी बात करने वाले हैं. एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, आपका ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, उसके साथ साथ ऑन बोर्ड की ट्रेनिंग कितने मंथ्स की रहती है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरियाज है हर कंपनी का, वो भी हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, चाहे कौन से कॉलेज प्रिफर्ड आपके लिए होने चाहिए, कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है. उसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात करूंगा फीस क्या इसकी एक रेंज में रहती है. तो हाँ, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जीएमई के बारे में जो भी आपको नॉलेज चाहिए इस वीडियो में आपको मिल जाएगी. तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको जीएमई के बारे में पहले बता देता हूं, ठीक है. तो अगर हम ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपका कोर्स है उसके बारे में बात करूं तो इसका जो ड्यूरेशन होता है इसका 8 मंथ्स का होता है. तो इस चीज का ध्यान रखना कि 8 मंथ्स इसका ड्यूरेशन है, क्योंकि यहां पर आपके दूसरे जो कोर्सेज हैं 1 साल के हैं, आपके 4 साल के हैं, 3 साल के कोर्सेज है, बट आपका जो जीएमई का है वो 8 महीने का ही एक कोर्स है. और उसमें क्या होता है, 2 सेमेस्टर आपके होंगे और दो सेमेस्टर आपके हैं वो 4 महीने 4 महीने के हैं. मतलब आपका क्या होगा, 4 महीने में आपका एक एग्जाम होगा एंड देन 4 महीने में आपका दूसरा एग्जाम होगा. तो 4-4 महीने के आपके सेमेस्टर होंगे. एंड उसके साथ साथ ऑन बोर्ड ट्रेनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग यहां पर डिफरेंट है यहां पर क्राइटेरिया, ठीक है. किसी में आपको देखने को मिलेगा 4 महीने का, किसी में आपको मिल सकता है 8 महीने का, किसी में आपको 10 महीने का मिल सकता है. और किसी में यहाँ कंपनी में ऐसा भी होता है कि उनको सी टाइम से कुछ नहीं करना, उन्हें शिफ्ट से करना है. मतलब जैसे कि बोल दिया कि आपको 2 शिफ्ट करने हैं, ठीक है. तो डजेंट मैटर आपने पहला शिफ्ट कितना टाइम आपने उसमें लिया है, कितना सी सर्विस है आपकी, 4 महीना है 6 महीना है, लेकिन अगर 2 शिफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको दूसरा शिफ्ट भी करना पड़ेगा. तो वो कभी कभी 8 महीने 10 महीने और 12 महीने ऐसे भी जा सकता है. तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ओके. एंड जैसे ही आप क्या करते हो, आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप फिर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के लिए जाते हो. देन ऑन बोर्ड ट्रेनिंग जैसे आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे कितने महीने की है. जैसे आप कंप्लीट करते हो तो आपको उसका आपका एक एग्जाम होता है क्लास 4 का, और क्लास 4 का एग्जाम जो आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जो आप इंजन साइड में, ठीक है, फोर्थ इंजीनियर आप जाओगे. और जब आप ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कर रहे होंगे उसमें आप इंजन कैडेट के रैंक पे जाते हो, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम जो आपका क्लास 4 का है तो उसे आप क्लियर कर देते हो, देन आप फोर्थ इंजीनियर आप जाओगे, ठीक है. उसमें भी कभी कभी यह होता है जूनियर इंजीनियर भी होता है, ठीक है. तो वो डिपेंड करता है किस कंपनी में क्या वो कौन सी रैंक आपको मिलेगी. तो किसी में जूनियर इंजीनियर होगा, किसी में डायरेक्ट फोर्थ इंजीनियर भी आपका हो जाता है. तो हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में. देखो एलिजिबिलिटी क्या होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ठीक है. 60% आपको पता होगा जैसे कि ऑलमोस्ट सभी में होता है, लेकिन मैं एमा का एक रेफरेंस लेके जा रहा हूं, ठीक है, कि आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट मिले, ठीक है, कोर्स के बारे में भी. तो यहां पर मैं एमा की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूं, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया हो सके कि जो अच्छी कंपनियां हैं तो वो कितना रिक्वायरमेंट मांगती है, ठीक है. तो सबसे पहले जो आपका कोर्स है वो होना चाहिए आपका बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है. इस चीज का ध्यान रखना, आपका एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, 4 ईयर की जो आपकी डिग्री होगी. तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी हो सकती है या बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर, तो ये दोनों डिग्री में से कोई सी भी आपके पास हो सकती है. साथ ही साथ आपका बीई जो कोर्स होता है तो बीई वाला भी आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है. तो जो आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो एक चीज और का आपको ध्यान रखना है, वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है. ऐसे ही फेक यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए. और एग्रीगेट की मैं अगर बात करता हूं तो आपका जो 4 साल की जो आपने यहाँ पर अपना कोर्स किया है आपका, चाहे वो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या नेवल आर्किटेक्चर हो या बीई हो, तो उसमें जो आपका एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए वो आपका 65% होना चाहिए. मतलब जो आपकी टोटल सारा एग्रीगेट है उसका 65% होना चाहिए, और जो फाइनल ईयर का होना चाहिए वो आपका वो भी 65% होना चाहिए. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, आपका टोटल 4 साल का जो है 65% होना चाहिए, और जो आपका फाइनल ईयर का है वो भी आपका 65% होना चाहिए. उसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपका क्लास 12th का स्कोर है तो उसमें आपका पीसीएम परसेंटेज जो है वो 65 होना चाहिए, 65%, एंड जो आपका एग्रीगेट है वो भी 65% होना चाहिए, ठीक है. कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, किसी में आपका 60% भी बोल सकता है, ठीक है. तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, बट मैं मेनली यहां पर एमा का एक रेफरेंस दे रहा हूं. और फिर हम बात करते हैं यहां पर इंग्लिश के, ठीक है. तो इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है तो 10th और 12th में आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है. तो उसमें आपका 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है. वैसे आइदर लिखा हुआ है कि 10th में हो या 12th में हो, बट हाँ ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी. तो आपके 12th में यहाँ पर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए. अब यहाँ पर एज लिमिट की हम बात करते हैं, तो एज लिमिट इसमें काफी है, ठीक है. आपकी 28 ईयर्स की एज लिमिट है,
क्योंकि जैसे आप 18 के बाद अगर कोई बीटेक करते हो तो 4 साल आपके उसी में लग जाते हैं, ठीक है। 18 या 19 साल के अगर आप 12th कंप्लीट कर रहे हो तो 22 23 साल में आपकी बीटेक कंप्लीट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसीलिए एज थोड़ा सा आपका 28 ईयर्स की गई हुई है, उसमें भी ये आपको ध्यान रखना जब बैच स्टार्ट होता है तब आपकी एज 28 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ हम बात करते हैं यहां पर आई साइट के बारे में। तो आई साइट यहां पर सिंपल सा एक क्राइटेरिया रहता है 6x6 आपकी आई साइट होनी चाहिए, बट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और एमा में आपका जो क्राइटेरिया है वो है 6x12 इन बोथ आईज आपकी हो सकती है, तो ये एक रिलैक्सेशन है, ठीक है। वैसे इंजन डिपार्टमेंट में ये रिलैक्सेशन हमेशा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखोगे 6x12 दोनों आई में हो सकता है, तो जो कि अच्छी बात है, अगर आपके आई में कुछ प्रॉब्लम भी है हल्की सी तो हाँ चल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसीजर। प्रोसीजर काफी सिंपल है और जो भी आपके कोर्सेज है उसी की तरह है, इसमें भी जो आपके प्रोसीजर है आपको करना क्या है, इंस्टीट्यूट की साइट्स पे जाना है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने का, ठीक है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, जीएमई कोर्स एक बार देख लेना और वहां आपको अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे फिर आपको कुछ फीस होगी तो वो आपको पे करनी है, एंड देन आपका जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा तो उसमें सारे के सारे मेल्स आपके आते रहेंगे, ठीक है। और उसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। अब डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी किसका कैसा यहाँ पर लेवल रहेगा, बट ऑनलाइन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे आपका इंग्लिश हो गया, आपका एप्टीट्यूड हो गया, ये मैंने बताया कि हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश और एप्टीट्यूड का। उसके साथ साथ आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स होंगे, ठीक है। उसके बारे में आपके क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू आपकी जो भी आपने 4 साल में किया हुआ है, ठीक है। तो जो कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा वो क्लियर करते हो, देन आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट सेम ही होगा आपका, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बट सेम जैसे आपका डीएनएस के लिए या बीटेक के लिए या आपका बीएससी के लिए वैसे ही आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा। उसके बाद जैसे आप उसे क्लियर कर देते हो तो आपका एक इंटरव्यू होगा, वो पैनल इंटरव्यू होगा, उसमें 3-4 आपके सामने इंटरव्यूअर्स होंगे एंड दे विल आस्क यू द क्वेश्चन एंड रिलेटेड टू योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू नो टॉपिक्स जो भी होंगे उससे तो पूछेंगे, साथ ही साथ आपका जो भी पर्सनल यू नो लाइक आपकी लाइफ है उससे क्वेश्चंस होंगे, पर्सनल इंटरव्यू सारे क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस और रिलेटेड टू जो भी आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो उसका लेवल है वो डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी, सबका अपना एक सेट होता है, ठीक है, उस हिसाब से ही आपको देंगे। तो अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भैया कॉलेजेस कौन कौन से हैं जीएमई के लिए और अच्छे कौन से हैं। देखो कॉलेजेस बहुत हैं, ठीक है, आपको जैसे जीएमई है, ठीक है, ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपका कोर्स है तो उसके बारे में बहुतों ने सुना नहीं होता वैसे, ठीक है। लेकिन हाँ जैसे आप इंटरेस्टेड हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए तो आप फिर कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हो, लेकिन आपको फिर यह पता नहीं चलता कि कौन से कॉलेजेस के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत से कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, आपको एमा मिलेगा, ठीक है, एंग्लिस्टन, आपको सिम्स मिलेगा, सिम्स भी काफी अच्छा है, आपको टीएस रहमान मिलेगा, गिम्स मिलेगा, ये भी दोनों काफी अच्छे हैं, आपको आईएमयू यहां पर मिलेंगे, आपको एमिट मिलेगा, एचआईएमटी मिलेगा, आईएमआई भी बहुत अच्छा है, आईएमआई भी यहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हो आप। हाँ बिल्कुल, एमा को, सिम्स को, आपका टीएस रहमान, गिम्स और आपका आईएमआई, इनको थोड़ा प्रायोरिटी आप बिल्कुल दे सकते हो, तो यहां पर आपको अच्छी कंपनियां मिलेंगी। सर्टिफिकेट्स की मैं अगर बात करता हूं तो सर्टिफिकेट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट वो भी ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, आपका यहां पर ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, और ये तीनों की तीनों ओरिजिनल आपकी होनी चाहिए। पासपोर्ट आपको हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट तो ऐसे बाद में बनता है लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, और ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मेनली आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बैच के बारे में बात करने वाले, तो जैसे कि आपको पता है 8 महीने का आपका कोर्स है, तो 8 महीने का जो कोर्स है तो ये कॉलेज में अगर आपके इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं तो ये कितने यहाँ पर बैच चलने वाले हैं एक साल में, तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं एमआ की अगर बात कर रहा हूँ, उसका रेफरेंस में ले रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है 3 आपके बैचेस चलते हैं, ठीक है, एक साल में, तो 4 मंथ्स 4 मंथ्स 4 मंथ्स, ठीक है, इस हिसाब से कंटिन्यूटी में अलग अलग बैच आएंगे। मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था आपका कि 8 महीने का कोर्स है, ठीक है, तो किसी का अगर एक 4 महीने कंप्लीट हो रहा है तो उस टाइम पे किसी का एक का 8 महीने कंप्लीट हो रहे हैं तो वो बैच निकलेगा और दूसरा बैच आएगा, तो ऐसे में यहाँ पर रिप्लेसमेंट होती रहेगी। और एमआ की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 बैचेस यहाँ पर एक साल के होते हैं और मार्च जुलाई और नवंबर में आपके यहाँ पर बैचेस रहते हैं जिनका सीट फिलिंग ऐसा है 40 मार्च में 80 जुलाई में एंड 80 नवंबर में। तो हाँ ऐसा यहाँ पर आपको बैचेस मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं इंस्टीट्यूट के, ठीक है, किसी किसी के अपने यहाँ पर प्रायोरिटी सेट की होती है तो उस हिसाब से भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीस के बारे में, तो फीस में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो आप मान सकते हो 5 लाख के अराउंड आपको मिलेगी, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट में फीस इसकी,
और जैसे एमा में 6,45,000 है, ठीक है, टी एस रहमान में हो गई तो 5,45,000 है, तो हाँ ऐसे ही कुछ एक आपको रेंज मिलेगी, ठीक है, 6,00,000, 5,00,000 और किसी किसी में थोड़ा कम भी हो सकती है 4,00,000, और जैसे आईएमयू हो गया तो आईएमयू में और कम होगी, तो ये आपको एक फीस की रेंज मिलेगी। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप साइट्स में जाइए, ठीक है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसमें आपको जीएमई सेक्शन चेक करना है एंड वहां पे आपको फीस भी मिल जाएगी। तो यही है बेसिक इन्फॉर्मेशन जीएमई के बारे में, और आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने को नहीं है, बट जो जो बेसिक बेसिक चीजें वो आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि कौन से कॉलेजेस आपके होंगे, प्रोसीजर इसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, और कब कब यहाँ पर बैच लगते हैं, कितने सीट्स यहाँ पर अवेलेबल रहती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, तो एक बार चेक जरूर करना कितना यहाँ पर इंस्टीट्यूट की कितने सीट यहाँ पर फिल होती है, ठीक है, एक बैच में। और उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर कुछ और चीजें चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे पीडीएफ, तो मैं नीचे लिंक्स छोड़ दूंगा, तो उन लिंक को एक बार चेक कर लेना, उस लिंक में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जीएमई के बारे में, जैसे एलिजिबिलिटी हो गया, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस हो गया, तो ये सारी चीजें नीचे लिंक पे आपको मिल जाएंगी, उन्हें एक बार क्लिक करना, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उसे डाल दूंगा, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप चेक कर सकते हो, और बरीनर पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल वहां फॉलो करें, आपको यहाँ पर सी लाइफ दिखेगी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बाद की, ठीक है, डीएनएस मैंने जैसे एमा से किया है, तो मुझे सारे का सारा जो भी मेरी सी लाइफ है वो मैं वहां दिखाता हूं आपको, और वहां से आपको काफी मोटिवेशन मिल सकती है। तो यही थी वीडियो, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और